हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs, मतलब कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं आपके यूपी टीजीटी में, यूपी पीजीटी में, या फिर यूपी पीसीएस प्री की बात कर लो फिजिक्स सब्जेक्ट से, या तो फिर आप एनवीएस की बात कर लो। ये सारे जो एग्जाम्स हैं इनमें प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में, मैं यहां पे उनको डिस्कस करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये आपका आया है टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बट ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम, मतलब टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो या फिर एमवीएस का हो या फिर यूपी पीसीएस का हो, ठीक है। तो उन सारे एग्जाम के लिए ये सारा क्वेश्चंस जो मैं यहां पे सॉल्व करूंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एस के इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको मैं हलवा बना दूंगा। बस आपको क्या करना है, यहां पे फोकस करना है और एक काम और छोटा सा करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना जो भी आपको डाउट होगा, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की मूविंग अलोंग अ सर्कल, जो पार्टिकल है वो कहां पे मूव कर रहा है बेटा, वो मूव कर रहा है सर्कल में, और उस सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, आर है, जो कि डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड एस डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, ठीक है, वो पार्टिकल, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दिया है के इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, हमको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक बार मैं हिंदी में भी इसको क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा है कि आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान कण की गतिज ऊर्जा के कण द्वारा चली गई दूरी एस पर के इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर के अनुसार निर्भर करता है, कण पर कार्यरत बल है, ठीक है। हमको यहां पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है जो कि पार्टिकल पे लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आपका सर्कल है, आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, ठीक है, अंडा तो नहीं लग रहा है, अंडा नहीं लग रहा है, सर्कल दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्वेश्चन आप जितना अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, उतना ही इजी आपको सॉल्यूशन लगेगा, ठीक है, मतलब उतना जल्दी आप सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक। अब ये एक सर्कल है, एक पार्टिकल इस सर्कल के अलोंग क्या करता है, चलता है, ठीक है। और यहां पे क्या दिया है कि इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, ए एस स्क्वायर है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि ये पार्टिकल एस डिस्टेंस कवर कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में चल करके, और जो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है बेटा के, वो डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एस, इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और कैसे डिपेंड कर रही है वो रिलेशन भी आपको दिया है यहां पर, ठीक है, के इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है। तो आपको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और इस जो सर्कल का रेडियस है दैट इज आर बेटा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, हमको फोर्स निकालना है बस, ठीक है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है बच्चों, कैसे हलवा है, सबसे पहले यहां पे आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब भी आपसे सर्कुलर मोशन की बात करेगा,
जब भी आपसे सर्कुलर मोशन की बात करेगा तो वहां पर सर्कुलर मोशन के केस में एक फोर्स लगता है जो किधर लगता है, टूवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस लगता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, एफसी बोल सकते हो इसको, ठीक है, अभिकेंद्रक बल या अभिकेंद्रीय बल। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। वो कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी सर्कुलर मोशन की बात करेगा तो वहां पे एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा, और वो फोर्स क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड या फॉर्मूला क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। आपको दिख रहा है एकदम अच्छे से? हाँ दिख रहा है, ठीक है। बट हमको यही फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ये रिलेशन यूज करके बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिया है बच्चों कितना, ए एस स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए एस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक टाइम के लिए मैं ये क्या कर दे रहा हूं, इस सर्कल को यहां पे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह मिल पाए, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक। देखो ये दिया है अपने पास k इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो देखो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर, इस 2 को इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 ए एस स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब देखो हमको क्या लेके आना है, मैंने पहले बताया कि यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी सर्कुलर मोशन की बात करेगा तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, और यही फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर क्या है बच्चों, एम वी स्क्वायर है। अब मैं क्या कर दूं, अगर दोनों साइड मैं रेडियस से डिवाइड कर दूं तो इधर वाला हमारा क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो मैं सिंपल एक काम करता हूं, दोनों साइड रेडियस से डिवाइड कर दिया, ये बन गया, और ये वैल्यू क्या है, ये है आपका एफ सी जो कि पूछ रहा है, दैट इज 2 ए एस स्क्वायर अपॉन में आर। अब आप चेक कर लो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर है, आप ये चेक करके बताओ हमको। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2 ए एस स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इजी है कि नहीं, इजी है कि नहीं, कमेंट में बताओ इजी है कि नहीं, सॉल्यूशन कैसा लगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका आया है कब, पीजीटी 2004 में आया है, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल, ठीक है। हमको वेलोसिटी बताना है और उस बॉडी का वेलोसिटी बताना है जिसका मास दिया है हमारे पास 100 ग्राम और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है बच्चों, 20 जूल दी है, ठीक है। तो सिंपल यहां पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब v कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, यहां से हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के अपॉन में m, मतलब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 के अपॉन में m। ये फॉर्मूला आ गया, सारी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 के, काइनेटिक एनर्जी कितना है 20 अपॉन में m, m कितना है 100 ग्राम, ठीक है, बस सॉल्व कर दें हो जाएगा। बेटा सारे के सारे स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे गलती करते हैं, क्वेश्चन वो अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, जल्दी के चक्कर में वो क्या कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन एकदम लपेट देते हैं, ठीक है, वो 100 चिपका करके सॉल्यूशन करके आंसर भी निकाल देंगे, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऑप्शंस भी उनके इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे गलत कर दोगे बेटा, यहां पे 100 ग्राम दिया है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 10^-3 भी करेंगे यहां पे, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 1, ये 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा बच्चों, ऊपर बचेगा हमारा 2, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000
अपॉन में 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 2 10 मतलब 200, 2 था ये, कितना आ जाएगा अंडर रूट का 400, मतलब ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको क्लियर एकदम? हाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, आंखें चमक जा रही होंगी, ऐसा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है, यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा अंडर रूट 2K/m, काइनेटिक एनर्जी दिया है, मास भी दिया है, बट एक मिस्टेक आपको नहीं करनी बेटा, वो क्या नहीं करनी है, दैट इज ये कि जो मास रखोगे वो ग्राम में नहीं किलोग्राम में रखोगे, तो उस ग्राम को सबसे पहले क्या करोगे आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे उसके बाद रखोगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा हिंदी क्या दिया, एक 20 जूल की गतिज ऊर्जा और 100 ग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो पिंड का वेग निकालना है और पिंड का वेग हमने निकाल लिया, वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पे 100 ग्राम क्या दिया है द्रव्यमान दिया है पिंड का, और पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी दी है 20 जूल दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी, ठीक है। दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी का मास दिया है m, दूसरी बॉडी का मास है 4m, जो कि मूव कर रहे हैं इक्वल काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों इक्वल है, तो उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है बच्चों, ठीक है। दो पिंड जिनके द्रव्यमान m तथा 4m है बराबर गतिज ऊर्जा के साथ चलते हैं, इनके रेखीय संवेगों का अनुपात होगा। दो पिंड हैं, एक का जो द्रव्यमान है वो m है, दूसरे का द्रव्यमान 4m है, दोनों का जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है इक्वल है बराबर है, तो उनके रेखीय संवेगों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में, या काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम में, वो रिलेशन क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कहां से आया, ये बहुत ही सिंपल है, करा दे रहा हूं मैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2 times of m लिख सकता हूं, m का ऊपर नीचे मैंने क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन में m लिख सकता हूं, और हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है क्या, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं पुट कर सकता हूं p, तो यहां से p आ जाएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 into m, मतलब 2m, और ये हम लेके क्या चले थे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला जो रिलेशन आ रहा है वो यहां से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इसको आप कहीं पे नोट कर लो, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। बट ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये किस जगह से आया था वो चीज मैंने बता दिया, ठीक है, ये दिल्ली से आया था, अमेरिका से आया था, कहां से आया था वो मैंने यहां पे बता दिया, तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है। अब क्या दिया है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेशियो निकाल लेते हैं, क्या k1 अपॉन में k2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p1 स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, 2m1 अपॉन में p2 स्क्वायर अपॉन में 2m2 हो जाएगा, ठीक है, ये सबको क्लियर है। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, k1 इज इक्वल टू k2, ठीक है, ये क्या है गिवन है, ये दिया है बच्चों, ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम है। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होने का मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, और 1 आ जाएगा तो इसको पूरा इधर मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों P2 square by 2m2 is equal to
पी वन स्क्वायर बाई टू एम वन, ठीक है, टू से टू मर जाएगा इधर, ठीक है, और कुछ मरेगा, और कुछ नहीं मरेगा, तो अब नहीं मरेगा तो नहीं मार रहे। देखो हमको निकालना है रेखीय संवेग का अनुपात, ठीक है, रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम विल बी, ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, मोमेंटम को एक साइड करेंगे तो पी वन इधर है, पी टू को भी इधर ले जाते हैं, एम वन को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम वन अपॉन में एम टू इज इक्वल टू इधर आ जाएगा पी वन अपॉन में पी टू, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और हमको निकालना क्या है, P1 अपॉन में P2 निकालना, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में M1 अपॉन में M2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ, यहां तक सबको क्लियर है ना, यहां तक कोई दुख दर्द परेशानी तकलीफ कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब जो हमको निकालना है बेटा रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, वो आ चुका है, यहां पे क्या करना है, बस जो यहां पे पिद्दी पिद्दी मास दिया है एमोरफोरियम उसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। एम वन की वैल्यू कितनी है आपको दिया है, एम वन दिया है एम, और एम टू कितना दिया है फोर एम दिया है, ठीक है, तो एम से एम मर जाएगा, ये कितना आएगा वन बाई फोर, और वन बाई फोर का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा फाइनली बेटा आपका P1 raise to P2 is equal to कितना आ जाएगा 1 raise to 2 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका आया है TGT 2005 में, ठीक है, ये कब आया है बेटा TGT 2005 में। तो यहां पर जो उनके रेखीय संवेगों का अनुपात होगा, या बोले तो रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी, वो कितना होगा बच्चों 1 raise to 2 होगा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों यहां पर, अच्छा बच्चों इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो टीजीटी 2005 में नहीं आया था, वो टीजीटी 2010 में वो भी आया था, ठीक है, तो इस चीज को वहां पे इंप्रूव कर देना कि वो टीजीटी 2010 में आया हुआ था, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूं वो भी हमारा टीजीटी 2010 में आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जीज, यदि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, ठीक है। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मोमेंटम यदि 50% इंक्रीज कर जाए, ठीक है, उसका मोमेंटम 50% इंक्रीज कर गया तो परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप सभी को मैं बता चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम होता है, ठीक है। तो पहले मान लो काइनेटिक एनर्जी के है और मोमेंटम पी है जब दोनों में चेंज नहीं हुआ है, उस केस में ये रिलेशन है, ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि मोमेंटम 50% बढ़ गया तो मान लो कि जो न्यू मोमेंटम है वो P डैश हो जाएगा, और P डैश क्या होगा, पहले का जो मोमेंटम था उसका 50% बढ़ जाएगा, तो पहले मोमेंटम कितना था P था, और इसका 50% बढ़ा हुआ भी क्या करोगे इसमें ऐड करोगे, मतलब P इंटू 50% 50 अपॉन में 100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 कैंसिल, यहां से कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, मतलब ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3/2 पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका पी डैश इज इक्वल टू 3/2 पी, मतलब कि जो न्यू मोमेंटम आएगा ये क्या है न्यू मोमेंटम या इंक्रीज्ड मोमेंटम, इंक्रीज्ड मोमेंटम पी डैश दैट इज इक्वल टू 3/2 पी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, ठीक है। देखो जब मोमेंटम चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, उसको हमने पी डैश बोल दिया, तो पी डैश का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2m, और पी डैश की वैल्यू रख दो यहां पे कितना हो जाएगा 3/2 पी का होल स्क्वायर अपॉन में 2m, यहां से ये कितना आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा 9/4 पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, और पी स्क्वायर बाई 2m क्या है पहले की काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 9/4 इंटू के आ जाएगा, ये क्या के डैश आ जाएगा, ठीक है। बट ये आंसर आपका नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा वो समझो सबसे पहले,
ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट बढ़ जाएगा, हमको इंक्रीज निकालना है, ठीक है, ना कि हमको टोटल बतानी है कि ये हमारा के पहले था और के डैश इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा टोटल के प्लस के डैश, वो नहीं निकालना है हमको, हमको ये निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इंक्रीज कितना है बच्चों, 9 बाई 4 के है, ठीक है, और पहले कितना था बच्चों, पहले के था हमारा, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन में 4 इंटू के, ठीक है, और इसका परसेंट बोल रहा है तो क्या करो 100 का मल्टीप्लाई भी कर दो यहां पे, ठीक है, तो 9 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा 5 बाई 4 इंटू 100, ठीक है, और के तो ये कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 125% आ जाएगा जो हमारा इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी होगी। इसको के डैश ना लिख के आप बोल सकते हो इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी इन परसेंट, ठीक है, इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी इन परसेंट, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो कह रहा है कि मोमेंटम उसका 50% बढ़ा, हमने यहां पे लेट कर लिया कि मोमेंटम कितना है उसका, पी है, तो बढ़ गया मोमेंटम 50%, तो पी का 50% बढ़ गया, तो ये तो बढ़ा हुआ मोमेंटम है, जो न्यू मोमेंटम होगा दैट इज पी डैश, ठीक है, ये क्या है इसका न्यू मोमेंटम बोल सकते हो, क्या है न्यू मोमेंटम, तो नया मोमेंटम कितना हो गया जो पहले का था प्लस ये वाला, ठीक है। अब इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का भी करेंगे, ये के डैश जो है, के डैश क्या है आपका, के डैश है आपका कि जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, ठीक है। अब नई काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि इसमें से हम जो पहले की काइनेटिक एनर्जी है उसको माइनस करेंगे, तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 3/2 p² क्योंकि p′² / 2m होगा और p' की वैल्यू यहां से रख दे रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है k′=9/4k, मतलब कि पहले की काइनेटिक एनर्जी को मिला करके जो बढ़ी हुई दोनों का मिक्सअप नई काइनेटिक एनर्जी 9/4k है, ठीक है। बट हमको ये नहीं निकालना है, हमको परसेंटेज इंक्रीज्ड निकालना है, कितना परसेंट ये बढ़ी है, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, के थी, बढ़ी वाली से हम क्या करेंगे पहले वाली को माइनस कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है इंक्रीज्ड इन परसेंटेज, ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 125% आ जाएगी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।